नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है श्री माता वैष्णो देवी कटरा कोटा वीकली एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से कोटा राजस्थान तक चलने वाली श्री माता वैष्णो देवी कटरा कोटा वीकली एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। ये वीकली ट्रेन है, हफ्ते में एक दिन चलती है। इसका ट्रेन नंबर है 19804। LHB कोचेस वाली ट्रेन है और ये जो ट्रेन है हर इतवार को श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से कोटा जंक्शन के लिए रवाना होती है। कटरा से कोटा की जो दूरी है तकरीबन 22 घंटे 10 मिनट में कवर करती है और इसके तकरीबन 28 स्टेशन हैं, 1136 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 51 किलोमीटर पर आवर, यानी कि मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। आपकी टिकट में सुपरफास्ट चार्ज नहीं जोड़ा जाएगा और इसे वेस्ट सेंट्रल रेलवे डिवीज़न जो है ऑपरेट करता है। LHB कोचेस वाली ट्रेन है, वेब 7 इंजन के साथ इसे चलाया जाता है। इसे वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। अगर बात करें रूट मैप के बारे में तो ये जो ट्रेन है श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होती है, बाद में जम्मू होते हुए ये ट्रेन जो है पंजाब में एंटर करती है। पंजाब में पठानकोट, जलंधर, लुधियाना इसके मेन स्टेशन हैं। फिर इसके बाद ये ट्रेन जो है हरियाणा में एंटर करती है। हरियाणा होते हुए ये ट्रेन जो है दिल्ली, फिर उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान के कोटा में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। अगर कटरा कोटा एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में बात करें तो मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से कोटा तक का होगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। कोचेस वाइज अगर टिकट किराए के बारे में बात करें तो सेकंड एसी के कोच का श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से कोटा तक का टोटल किराया है 2025 रुपये, जिसमें 1878 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, GST चार्ज 97 रुपये है, टोटल किराया 2025 रुपये है। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड AC के कोच भी हैं। थर्ड AC का कटरा से कोटा तक का जो टोटल किराया है वो है 1405 रुपये, जिसमें 1298 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, GST चार्ज 67 रुपये है, टोटल किराया 1405 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कन्फर्म करें। इसके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के कोच भी हैं। स्लीपर क्लास का जो टोटल किराया है वो है 525 रुपये, जिसमें 505 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है, टोटल किराया 525 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा इस ट्रेन में जनरल डिब्बे भी हैं। जनरल डिब्बों में जो है आप जनरल टिकट लेकर चढ़ सकते हैं। तकरीबन 300 रुपये जो है इसका किराया होगा श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से कोटा जंक्शन राजस्थान तक का। तो ये दोस्तों मैंने अभी आपको टिकट किराए के बारे में बात की है, तो आगे बात करेंगे इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में और जान लेंगे श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से कोटा जंक्शन तक इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं और कौन कौन से स्टेट्स में से होके गुजरती है। तो चलिए दोस्तों कोटा कटरा एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में बात कर लें। श्री माता वैष्णो देवी कटरा कोटा एक्सप्रेस जो है श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से हर इतवार को रात को 10:30 पर ये रवाना होती है। एक नंबर प्लेटफॉर्म से चलती है और इसके तकरीबन 28 स्टेशन हैं, 22 घंटे 10 मिनट बाद ये कोटा जंक्शन राजस्थान में पहुंचती है। जो दूसरा स्टेशन है वो है उधमपुर, यहाँ पर ट्रेन जो है रात के 10:54 पर पहुंचती है और 10:56 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है रात के 12:05 और 12:15 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 77 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और जम्मू तवी का स्टेशन कोड है JAT। इसके बाद कटरा कोटा एक्सप्रेस जो है वो जम्मू तवी के जम्मू कश्मीर के आखिरी स्टेशन कठुआ रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है रात के 1:15 पर और 1:17 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद श्री माता वैष्णो देवी कटरा कोटा एक्सप्रेस जो है पंजाब में एंटर करती है। पंजाब के पहले स्टेशन पठानकोट कैंट में रात के 1:58 पर पहुँचती है और 2:03 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद मुकेरियां रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन जो है रात के 2:36 पर पहुंचती है और 2:38 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 216 किलोमीटर के करीब जो है कटरा से मुकेरियां तक की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। जलंधर कैंट जंक्शन पंजाब में 4:30 पर पहुँचती है और 4:35 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ये ट्रेन जो है रुकती है
और 290 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। फगवाड़ा जंक्शन पंजाब में सुबह 4:47 पर पहुंचती है और 2 मिनट बाद वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। फगवाड़ा जंक्शन का स्टेशन कोड है PGW। इसके बाद ये फगवाड़ा के बाद ये लुधियाना जंक्शन में सुबह 5:40 पर पहुंचती है और 5:50 पर वहां से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। लुधियाना जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है मलेरकोटला पंजाब में पहुंचती है सुबह 6:36 पर और 6:38 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। धूरी जंक्शन पंजाब में सुबह 7:30 पर पहुंचती है और 7:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 15 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। संगरूर रेलवे स्टेशन पंजाब में सुबह 8:01 पर पहुँचती है और 8:03 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद जाखल जंक्शन हरियाणा में ये ट्रेन जो है सुबह 9:25 पर पहुँचती है और 9:28 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 3 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। जाखल जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है टोहाना रेलवे स्टेशन पे सुबह 9:40 के करीब पहुँचती है और 9:41 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 482 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। टोहाना के बाद ये नरवाना जंक्शन हरियाणा में सुबह 10:00 पहुंचती है और 10:02 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 508 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। जींद जंक्शन हरियाणा में ट्रेन जो है सुबह 10:42 पर पहुँचती है और 10:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है, 542 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है JIND। इसके बाद ये ट्रेन जो है रोहतक जंक्शन हरियाणा में सुबह 11:31 पर पहुंचती है और 11:33 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में श्री माता वैष्णो देवी कटरा कोटा एक्सप्रेस जो है वो बहादुरगढ़ में दोपहर के 12:01 पर पहुँचती है और 12:03 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 640 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। नई दिल्ली में यह ट्रेन जो है दोपहर के 1:35 पर पहुंचती है और 2:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 35 मिनट का स्टॉप है, 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। हरियाणा के फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर दोपहर के 2:42 पर पहुँचती है और 2:44 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 812 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। मथुरा जंक्शन उत्तर प्रदेश में यह ट्रेन जो है शाम के 4:15 पर पहुँचती है और 4:20 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद राजस्थान के पहले स्टेशन भरतपुर जंक्शन में यह ट्रेन जो है शाम के 4:43 पर पहुंचती है और 4:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 845 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। बयाना जंक्शन में ट्रेन जो है शाम के 5:10 पर पहुँचती है और 5:12 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है हिंडौन सिटी में पहुँचती है। हिंडौन सिटी में ये ट्रेन जो है शाम के 5:32 पर पहुँचती है और 5:34 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसका स्टेशन कोड है HAN। गंगापुर सिटी राजस्थान में शाम के 6:08 पर पहुँचती है और 6:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 1965 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। गंगापुर सिटी के बाद ये ट्रेन जो है सवाई माधोपुर जंक्शन राजस्थान में शाम के 6:53 पर पहुँचती है और 6:55 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। सवाई माधोपुर जंक्शन का स्टेशन कोड है SWM। इसके बाद इंद्रगढ़ सुमेरगंज मंडी रेलवे स्टेशन पर शाम के 7:18 पर पहुँचती है और 7:20 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। अपने आखिरी स्टेशन पर श्री माता वैष्णो देवी कटरा कोटा एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो कोटा जंक्शन राजस्थान में रात के 8:40 पर पहुंचती है और 3 या 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। दोस्तों इसी के साथ श्री माता वैष्णो देवी कटरा कोटा एक्सप्रेस की ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ में अगर आपने
आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।